उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है राइट तो स्टार्ट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट से जो है द नंबर ऑफ द स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीज विद द साइज ऑफ एरिया राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है बिकॉज जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये हमारा डिस्क्राइब होता है एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ द हैबिटेट एंड द नंबर ऑफ द स्पेसेस राइट आफ्टर दैट दिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फोर रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है राइट right, जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली हमारी होती हैं जेड लाइन की दैट इज इन द रेंज बिटवीन 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन देखेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है द रिलेशनशिप इज फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इज डिस्क्राइब बाय द क्वेशन लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत होता है बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर रिलेशनशिप है ओके आफ्टर दैट देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है द लार्जर द एरिया ग्रेटर द एक्सटेंशन रेट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है राइट लार्जर एरिया होगा तो जो नंबर ऑफ स्पीसी हैं हमारी ये भी ग्रेटर होगी राइट क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें WhatsApp डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर